देखिए, अगर आप बहुत लंबे समय से वर्कआउट कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी बॉडी नहीं बन पा रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अद्भुत तरीकों के बारे में, कुछ ऐसे हैक्स के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में अप्लाई करते हो तो आपकी बॉडी दुगना तेजी से बनने लग जाएगी। तो ज्यादा फालतू के बातों को नहीं करते हैं और सीधा आते हैं पॉइंट पे। नंबर वन, प्री वर्कआउट मील जरूर लें। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं उस समय हमारे बॉडी की एनर्जी सबसे ज्यादा खपत होती है और हमारे बॉडी का फंक्शन कैसा है कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उससे वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जब यही एनर्जी कैलोरी के रूप में हमारे बॉडी में प्लस होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो हमारा वजन बढ़ता है, हमारा बॉडी बनने लगता है। लेकिन वर्कआउट करते वक्त हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी का खपत होता है। लेकिन आप में से बहुत से लोग वर्कआउट करने से पहले प्री वर्कआउट मील यानी कि वर्कआउट से पहले कुछ नहीं खाते, जिसके चलते जो स्टोर एनर्जी होता है आपका बॉडी उसी का यूज कर लेता है, जिससे आपके बॉडी का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा धीमा पड़ जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी तो स्टोर ही नहीं हो पा रही है, जो कैलोरी है वो प्लस में जा ही नहीं पा रही है। इसीलिए वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट मील जरूर लें। मैं आपको कुछ चीजों का नाम बता देता हूँ, इन चीजों को आप प्री वर्कआउट में खा सकते हो। सबसे पहली चीज, उबला हुआ आलू, दूसरा उबला हुआ शकरकंद, तीसरा दो ब्रेड या फिर दो रोटी के साथ एक चम्मच पीनट बटर, चौथा 8 से 10 खजूर, और अगर कुछ ना मिले तो एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच हनी यानी कि शहद मिलाइए और उसे पी लीजिए वर्कआउट से पहले, आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। नंबर 2, रेपिटेशन को कम करके अपने पोस्चर को ठीक करें और थोड़ा वेट को ज्यादा लें। देखिए, अगर आप गलत पोस्चर के साथ किसी एक्सरसाइज को अगर आप 16 रेपिटेशन भी परफॉर्म कर रहे हो ना, तो वो आपकी बॉडी में जरा सा भी कोई फायदा नहीं देने वाला। इसलिए कम रेपिटेशन ही लगाएं, लेकिन परफेक्ट पोस्चर के साथ लगाएं। साथ ही साथ थोड़ा सा वेट ज्यादा लेकर खेलें, चाहे आपका रेपिटेशन 8 से 12 ही क्यों ना जाए। अगर आप अपने बॉडी को बल्क करना चाह रहे हो, अपने बॉडी को जल्दी से बढ़ाना चाह रहे हो, अपने वजन को बढ़ाना चाह रहे हो, क्योंकि जब आप हैवी वेट के साथ परफेक्ट पोस्चर के साथ रेपिटेशन परफॉर्म करते हो तो आपके मसल्स के बीच जो टीयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से आता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, और जितना ज्यादा मसल्स टीयर्स आएंगे यानी कि मसल्स के बीच दरारें आएगी, आपकी मसल्स उतना ही तेजी से रिकवर होगी और आपकी बॉडी उतना ही तेजी से बढ़ेगी, आपकी बॉडी बनेगी। तो दिखावे के चक्कर में मत आओ, चाहे कम ही रेपिटेशन लगाओ लेकिन परफेक्ट तरीके से वर्कआउट को कंप्लीट करो। नंबर 3, ज्यादा देर वर्कआउट मत करो। देखिए, जो लोग बिगनर होते हैं, जो लोग अभी अभी वर्कआउट करना स्टार्ट किए हैं, उनके मन में एक ही बात रहता है कि मैं जितना देर तक वर्कआउट करूंगा मेरा बॉडी उतना ही तेजी से बनेगा। लेकिन बॉडी बनाना कैलोरी का गेम है, आप अपने कैलोरी को जितना ज्यादा बचा के सही तरीके से आप वर्कआउट कर पाओगे, अपने एनर्जी को यूज कर पाओगे, आप अपनी बॉडी को उतना जल्दी ट्रांसफॉर्म कर लोगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी बॉडी के लिए 45 मिनट से लेकर 60 मिनट यानी कि 1 घंटा वर्कआउट इनफ होता है, उससे ज्यादा हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए अगर हम लोग एक नॉर्मल बॉडी बनाना चाहते हैं, अपने बॉडी को केवल फिट रखना चाहते हैं, क्योंकि 1 घंटे के बाद हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लग जाती है, जिसके चलते हमारा कैलोरी प्लस में जाने के जगह माइनस में चली जाती है, जिससे वर्कआउट करते वक्त हमारी बॉडी में अच्छा पंप आ जाता है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फुली हुई दिखती है, लेकिन जैसे ही वर्कआउट के 1-2 घंटे बाद हमारा बॉडी नॉर्मल जैसा था वैसा ही आ जाता है, उससे भी कम हो जाता है। तो बहुत देर तक वर्कआउट नहीं करना है, एक अच्छा सा शेड्यूल तैयार करो कि मुझे इतना देर 45 से 1 घंटा वर्कआउट करना है और ये एक्सरसाइज और इतने रेपिटेशन के साथ परफॉर्म करना है। नंबर 4, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का इस्तेमाल ना करना। देखिए, यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपने मसल्स को जल्दी से बढ़ा सकते हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। इसका मतलब ये होता है कि आप आज जितने वेट के साथ वर्कआउट कर रहे हो, आप नेक्स्ट टाइम जब उस वर्कआउट को करो तो उससे ज्यादा वेट के साथ करना है। यानी कि मान लीजिए कि आज आप बेंच प्रेस 10 kg लेकर लगाते हो, तो नेक्स्ट वीक जब आप बेंच प्रेस लगाओगे, जब आप चेस्ट का वर्कआउट करोगे, तो उस समय आप उससे कम से कम आप उससे ज्यादा करो। जैसे कि आपने 10 kg से करा तो या तो आप 12.5 kg लगा लो, या फिर आपने 12 रेपिटेशन लगाया तो इस बार आप 16 रेपिटेशन लगा लो, यानी कि पिछले बार से अब बेहतर होना चाहिए, यानी कि कल से बेहतर आज होना चाहिए। और इसके लिए आप अपने प्रोग्रेस को नोट कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप एक छोटा सा डायरी रख लें और उसमें लिखें कि आज आपने बेंच प्रेस कितना का लगाया, स्क्वाट्स कितना का लगाया, और उन सबको नेक्स्ट वीक जब आप उन एक्सरसाइज को करें तो उससे ज्यादा करने का कोशिश करें। नंबर 5, नॉट डूइंग डिफिकल्ट एक्सरसाइज। हम में से सभी को कोई ना कोई एक्सरसाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है,
किसी को पुलअप लगता है, किसी को पुशअप लगता है, किसी को स्क्वैट्स लगता है, लेकिन जो एक्सरसाइज आपको डिफिकल्ट लगता है उसी में आपका मास गेन करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आज से ही आपको जो एक्सरसाइज करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उसे ही अपना फेवरेट एक्सरसाइज बना लो। उसे कुछ भी हो जाए आपको करना ही है। जैसे कि बैक के दिन आप पुलअप कभी नहीं लगाते, लेकिन आपको कुछ भी हो जाए पुलअप लगाना है 3 सेट का, कम से कम नहीं ज्यादा तो 12 रेपिटेशन करके 3 सेट लगाना ही है। इसी तरह से जिस दिन आप लेग मारते हो उस दिन आपको स्क्वैट्स करना ही है, डेडलिफ्ट करना ही है। नंबर 6, वीकली एक दिन कार्डियो जरूर करें। देखिए, हमें से अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि कार्डियो करने से हमारा वजन घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्डियो आपके वजन को घटाती नहीं है, बल्कि आपके सिस्टम को, आपके ऑर्गन्स को और ज्यादा एक्टिव करती है और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, जिससे उसका जो प्रोसेस करने का क्षमता है, उसे रिकवर करने का जो क्षमता है, वो पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि आपका बल भी बढ़ता है और आपके बॉडी का रिजल्ट भी जल्दी आता है। इसलिए आप किसी भी तरह का वर्कआउट कर रहे हो, वीकली एक दिन कार्डियो जरूर करें। कार्डियो का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे एक्सरसाइज को जरूर करें जिसमें आपका श्वास फूलने लगता है, आपका श्वास तेज हो जाता है। नंबर 7, अगर आप अपने मसल्स को फील नहीं कर पा रहे हो तो उस वर्कआउट को करना बंद कर दो। जैसे कि आप अपने बैक मसल्स को ट्रेन कर रहे हो और उसके लिए आप पुल डाउन एक्सरसाइज को कर रहे हो, लेकिन आप अपने विंग्स को, अपने बैक को फील ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस एक्सरसाइज को थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करो और फील करने का कोशिश करो। और अगर आप फिर भी फील नहीं कर पा रहे हो तो उसके जगह कोई अल्टरनेट, यानी कि उसी की तरह कोई दूसरी एक्सरसाइज को परफॉर्म करो और धीरे धीरे इस एक्सरसाइज में भी अपना कमांड बनाते जाओ। क्योंकि आप लाख अपने मसल्स के लिए वर्कआउट कर लीजिए, लेकिन आप उस मसल्स को अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि आप बाइसेप्स कर लगा ले हो और आप अपने बाइसेप्स को फील नहीं कर पा रहे हो, तो उसका आपके बाइसेप्स पे जरा सा भी कोई असर नहीं होगा। आप केवल वर्कआउट करके अपने आप को सेटिस्फाइड करोगे, बाकी आपको रिजल्ट जरा सा भी नहीं मिलेगी। तो जो भी एक्सरसाइज को करते हो, जो भी वर्कआउट को करते हो, तो उसे अच्छे तरीके से फील करो, चाहे रेपिटेशन कम ही क्यों ना लगाओ। नंबर 8, वर्कआउट का जो रेपिटेशन है वो जितना हो सके स्लो परफॉर्म करो। देखिए, जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज को झटके के साथ या फिर स्पीड परफॉर्म करते हो, तो आप जितने वेट के साथ उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो उससे कम असर आपके बॉडी में होता है। यानी कि अगर आप बाइसेप्स कर 5 kg वेट के साथ लगा रहे हो और आप उसे झटके के साथ उठाते हो, तो आपने 5 kg तो उठाया, लेकिन उस झटके के वजह से उस 5 kg का वैल्यू 2 या 2.5 kg के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को झटके के साथ उठाते हो तो आपके ताकत के वजह से उसका वेट कम हो जाता है। इसलिए जितना हो सके आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसे स्लो परफॉर्म करो। साइंस के अकॉर्डिंग आपको एक रेपिटेशन को करने में कम से कम 3 सेकंड का वक्त लगाना चाहिए, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मन में ही 1, 2, 3 इस तरीके से गिनो और एक रेपिटेशन कंप्लीट करो। तो ये 8 तरीके थे जिसे अगर आप अपने शेड्यूल में ऐड करते हो तो आपको अपने बॉडी में एक अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगी। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, और साथ ही इसी तरह के और भी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।